पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंह को, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके बाल के निशान को दबाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम्पि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वन्यते सीताराम गुणग्रामो पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृतैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितीर्सावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाक्षमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। जो सुमिरत सिधि होई गणनायक करि बर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारि जनयन करौ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु शम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मरदन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान हैं। बंदौं गुरुपद पदुम परागा सुरिच सुबास सरस अनुरागा अमी अमूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण हैं। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी हैं जो संपूर्ण भवरोगों के परिवारों को नाश करने वाला है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गन बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होति दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरावहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति
मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उंघर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहिं दोष दुख भवर जनी के, सूझहिं रामचरित मनि मानिक गुपुत प्रगट जहां जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खाने में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजनी अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बनो भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाली श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस हैं। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार को रहित होता है, इसलिए वह विशद और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों को छिद्र दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया हुआ है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध मय कलिमल हरुनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी, हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की तथा विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। उन संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर हैं।
वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और कथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जनमुदित मना माजहि अति अनुराग लहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। माजन फल पेखिय तत काला काक हो पिक बकऊ मराला सुनि आचरज करे जन कोई शत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बकुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बालमीक नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपने अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहां जहि पाई सो जा न बसत संग प्रभाऊ लोकहु भेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने भी जिस समय जहां भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी वहां की सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती अर्थात अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी गुण दूसरों को भी प्रकाशित करते रहते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विदबानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गन जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव और कवि पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, फिर मुझसे किस प्रकार कही जा सकती है, जैसे साक सब्जी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदौ संत समान चितो हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों ही ग्रह हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण ही करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी सुभाव स्नेह बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें।
बहुरी बंदी खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने हु बाए, परहित हानि लाभ जिन्ह के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनके दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान ग्रहण है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष मही से सा, अघय अवगुण धन धनी धने सा, उदय के तो समहित सब ही के, कुंभ करण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरही, जिमिहिमि उपल कृषि दलिगरही, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बर नई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गड़ जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराय दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणामौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिनमौ तेहि, संतत सुरानी को हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरा अच्छी लगती है, हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जही सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरही खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिशि कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाव बभोरा, बायस पलिहि अति अनुरागा, होई निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना।
उपजहीं एक संग जग माही जल जजो कजिमी गुण विलगाही सुधा सुरा सम साधु साधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनमें गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज कर तूति लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जही भाव नीक तही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला ही पै लहई लहई नीचाई नीच सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीच। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में।